पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के एक दर्जन गांव को जाने वाला रास्ता पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते हादसों का गढ़ बना हुआ है। NHI 24 से गांव सिरसा खेड़ा को जाने वाला रास्ता काफी समय से गड्ढों में तब्दील हुआ पड़ा है, जिस पर पीडब्ल्यूडी की कोई भी नजर नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन उन गड्ढों में चलने वाले व्यक्ति अपनी बाइक से गिरकर घायल हो जाते हैं। लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी ने रोड पर कोई भी कार्य नहीं कराया है, बस खाली खाना पूसी करके चले जाते हैं। अब देखना यह है कि पीडब्ल्यूडी की इस रोड पर कब तक नजर नहीं पड़ती, या उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कहीं भी किसी रोड पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। यहाँ तो ऐसा लगता है कि रोड तो नहीं है, खाली गड्ढे ही गड्ढे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुंडा पांडे क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोड खराब है, जिसकी वजह खनन माफिया रातों रात मिट्टी से भरे डंपर चलाते हैं और लोगों का जीना हराम कर रखा है, जिसकी शिकायत कई मर्तबा पुलिस से भी की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले खनन माफियाओं की ट्रॉली से एक होमगार्ड की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और मुंडा पांडे पुलिस नाकाम सी नजर आ रही है। अब ये देखना है कि मुंडा पांडे क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले पस्त होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन सा रोड कहलाता है ये? राइस मिल वाला रोड कहलाता है, जो सरसखेड़ा लालपुर और जाता है कानपुर को निकलता है ये, और गोविंदपुर को भी निकलता है। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलती है इसमें जो रोड खराब हो गया सभी? इस पे खनन का काम चलता है, डंपर वगैरह जो मिट्टी ढो रहे हैं रातों में वो चलते हैं। अच्छा, उसी वजह से खराब हुआ है जी। अच्छा, एक्सीडेंट वगैरह कुछ? एक्सीडेंट भी होते हैं, हफ्ते में रोज भी हो जाते हैं बहुत लोग, इसमें कई लोगों की टांग टूट चुकी है, कुछ खत्म भी हो गए हैं। आते हैं रात में चोर लूटते हैं, पता नहीं भाई इस रोड पर कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई नेता नहीं कुछ नहीं, क्या है क्या नहीं। आप क्या चाहते हो? यही चाहते हैं रोड सही होवे तो बेहतर है, आदमी को चोट कम लगेगी, भागेगा कम, तो अब रात में चोट चोर लौट रहे आदमी हल हल कल के जा रहे हैं, चोट पर चोटे पकड़ रहे हैं, तो रोड सही होना चाहिए। ये रोड है राइस मिल वाला रोड कहलाया जाता है, और एक रोड है हमारा वो गोविंदपुर वाला, दोनों रोड बिल्कुल बेकार है, नई गाड़ी ले लो खराब हो जाती है एक महीने के अंदर अंदर। ये खनन वाले ने रोड की बिल्कुल नाश कर रखा है कुल मिला के, और रात को चोर लूट लेते हैं और एक दो मर भी जाते हैं यहाँ महीने दो महीने में। एक्सीडेंट गड्ढे पड्डे इतने, रात में कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ, कुल मिला के जिंदगी जलालत में पड़ी हुई है। अच्छा, ये सरकार को कोई खबर ही नहीं है यहाँ की। आप क्या चाहते हो? वो चाहते हैं यार रोड थोड़ा चौड़ा हो जाए, और जो मटेरियल लगना चाहिए रोड के अंदर वो मटेरियल लगे भारी वाला। अभी रोड डालते भी है कभी साल छः साल में दस साल में तो बिल्कुल ऐसा मटेरियल डालते हैं कि पहली बारिश में ही खत्म, पहली बारिश में पूरी।